तो देखिए, हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला के खात्मे के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या। और ये सवाल इसलिए क्योंकि इसराइल के हमले में नसरल्ला की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई है और अब ये युद्ध एक अहम मोड़ पर, क्योंकि अब इसमें ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो एक महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर आई है और वो बड़ी खबर ये कि नसरल्ला के खात्मे के बाद इसराइल का बड़ा एक्शन। लेबनन में इसराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, नसरल्ला के खात्मे के बाद भी इजरायल की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। लेबनन में एक बार फिर से इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में आशंका बढ़ जाती है मिडिल ईस्ट में तनाव की। और आपको बताएं कि इजरायली सेना ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, जिसके बाद तनाव की स्थिति अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इजरायल का जो एक्शन है वो अभी तक रुका नहीं है। एक बार फिर से ग्राउंड एक्शन पर इजराइल। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हैं। विशाल, ये जो परिस्थितियां इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं, इस बीच मुझे लगता है कि सबसे अहम सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में ये महायुद्ध का संकेत है? ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल, ईरान का अगला कदम क्या होगा, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। लेकिन अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया है और हसन नसरुल्ला की मौत पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो बयान दिया उसमें साफ तौर से कहा कि इसराइल की आत्मरक्षा के कदम के साथ अमेरिका खड़ा है और इसराइल ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि हसन नसरल्ला सैकड़ों अमेरिकी नागरिकों की मौत का भी जिम्मेदार है। इसके अलावा ग्राउंड ऑपरेशन इसराइल लॉन्च कर रहा है लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर, जहां पर हिजबुल्ला के जो लोग हैं वो छिपे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल शाम एक और खबर सामने आई है, हसन नसरुल्ला की जगह हिजबुल्ला में जिस व्यक्ति को सेकंड नंबर की पोजीशन मिलने वाली थी उसे भी इसराइल ने मार गिराया है। उसका नाम हसन खलील यसीन था और यह भी एक एयर स्ट्राइक के जरिए इसको इसराइल ने मार गिराया है। यानी इसराइल इस बार हिजबुल्ला को पूरी तरह से ध्वस्त करने के मूड में दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक कई जगह एयर स्ट्राइक करना। और अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी इसराइल पूरी तरह से कर चुका है, ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है इजराइल। ऐसी स्थिति में ईरान ने जो मुस्लिम देशों से अपील की है वो देखने लायक होगा कि क्या ईरान की अपील पर मिडिल ईस्ट के और जो देश हैं वो ईरान के साथ आएंगे, क्या वो हिजबुल्ला का साथ देंगे। हालांकि ये बहुत मुश्किल दिखता है। ईरान फिलहाल यहां पर चेतावनी जरूर दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ईरान कोई बड़ा कदम उठाने की स्थिति में आज की तारीख में है। ठीक है विशाल, आप मेरे साथ रहिए और अपडेट्स आपसे लेंगे। लगातार इस पूरे मसले को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं। नसरल्ला की मौत पर अब ईरान की तरफ से भी बड़ा रिएक्शन सामने आया है। ईरान ने यूएनएससी की मीटिंग बुलाने की मांग कर दी है। लेबनन, मिडिल ईस्ट में हमलों पर चर्चा होगी, ईरान का यह कहना है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ओआईसी भी फौरन इसको लेकर मीटिंग बुलाए। तो देखिए, अब ईरान की तरफ से बड़ा रिएक्शन। ईरान ने यूएनएससी की मीटिंग बुलाने की मांग कर दी है कि लेबनन और मिडिल ईस्ट में जो हमले हैं उन पर चर्चा होगी, होनी चाहिए, ये ईरान का कहना है। और अब इसको लेकर जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। ईरान को लेकर नेतन्याहू की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है। अब देखिए, नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है कि इसराइल की पहुंच में पूरा मिडिल ईस्ट है, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इसराइल पहुंच नहीं सकता। लेबनन के बाद ईरान को भी इसराइल की दो टूक। ईरान की बुरी ताकतों का इंजन था नसरुल्ला। तो देखिए, पहले ईरान की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया नसरुल्ला के खात्मे को लेकर, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इसराइल पहुंच नहीं सकता, इसराइल की पहुंच में पूरा मिडिल ईस्ट आता है। सुनिए क्या कहा नेतन्याहू। हमने इसराइलियों, सैकड़ों अमेरिकियों और दर्जनों फ्रांसीसियों समेत अन्य देशों के कई नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से हिसाब बराबर कर लिया है। हमने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए नसरल्लाह का खात्मा जरूरी था। नसरल्लाह सिर्फ आतंकवादी नहीं था, वो ईरान की बुराई की धुरी का इंजन था। वो और उसके लोग इसराइल को तबाह करने के प्लान के आर्किटेक्ट थे। उसे सिर्फ ईरान संचालित नहीं करता था, बल्कि कई बार वो ईरान को संचालित करता था। ईरान या मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इसराइल के लंबे हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। आज आप जान गए हैं कि ये कितना सच है। तो देखिए, अब जो इसराइल की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रहे हैं, नेतन्याहू की तरफ से बयान दिया जा रहा है, अब ऐसे में बड़ा अपडेट आ रहा है कि जो ईरान है वो घबरा गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं।
सीक्रेट लोकेशन पर ले जाए गए हैं अली खामेनेई। नसरल्ला के खात्मे पर ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान, दुनिया भर के मुस्लिम हिजबुल्ला का सपोर्ट करें। तो देखिए ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं खामेनेई की तरफ से बयान, और ये भी जानकारी आ रही है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर कहे जाते हैं खामेनेई, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। एक ऐसी लोकेशन पर खामेनेई चले गए हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, सीक्रेट लोकेशन है। ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुष्ट दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुष्ट दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। चलिए एक बार फिर से आपको मेरे सहयोगी विशाल के पास हम लेकर चलते हैं। विशाल, ईरान की तरफ से चाहे कोई भी बयान दिए जा रहे हो, फ्रंट में आकर ईरान अब ये कह रहा हो कि सब मुस्लिम इकट्ठा हो, हिजबुल्ला का साथ दें, लेकिन खामेनेई का अंडरग्राउंड हो जाना क्या सीधे इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि ईरान ये समझता है कि इसराइल ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई है, एक के बाद एक ग्राउंड ऑपरेशन, हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर तक पहुंचना, तो कहीं ना कहीं क्या डर ईरान के मन में नजर आता है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर, और ये परसों रात में ही खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। ये अनडिस्क्लोज लोकेशन है जहां उनको भेजा गया है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ईरान को कहीं ना कहीं लगता है कि जब इसराइल हिजबुल्लाह के मुख्यालय तक अपनी पहुंच कर सकता है, वहां पर स्ट्राइक कर सकता है, हसन नसरुल्लाह को टारगेट कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा को देखते हुए ईरान की जो एजेंसियां हैं उन्होंने ये कदम उठाया है, खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेजा है। लेकिन ईरान लगातार यहां पर जो मुस्लिम देश हैं और अन्य लोगों से सपोर्ट की मांग कर रहा है हिजबुल्लाह के लिए, और यहां पर ईरान कोई बड़ा कदम उठाएगा इस बात की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है, क्योंकि ईरान के अगल बगल के जो देश हैं वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जाकर कोई ईरान का साथ दे पाए ऐसा बहुत मुश्किल फिलहाल दिखाई दे रहा है। और 7 अक्टूबर पिछले साल जब से इसराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, उसके बाद से ईरान तमाम देशों से अपील कर रहा है कि वो इसराइल के खिलाफ सामने आए, लेकिन बहुत सारे देश खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, वो बीच की लाइन लेकर मिडिल ईस्ट के देश इस पूरे मुद्दे पर चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ईरान के सामने भी विकल्प बहुत कम नजर आ रहे हैं और ऐसा नहीं लगता है कि ईरान कोई बड़ा कदम इस वक्त जल्दबाजी में उठा पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा विशाल आपने, और लगातार जब से ये युद्ध शुरू हुआ है आपने क्योंकि ग्राउंड पर भी विशाल इस युद्ध को देखा है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इसमें होने चाहिए थे, शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुआ लगातार हम देख रहे हैं वॉर बढ़ता चला गया, और अभी आने वाले समय में क्योंकि नसरल्ला की मौत के बाद क्या संकेत नजर आते हैं, क्या ये युद्ध अब और ज्यादा प्रचंड होगा या कोई मिडवे निकलने के आसार आपको दिख रहे हैं विशाल? फिलहाल तो कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में अभी भी इसराइल के जो नागरिक हैं वो हमास के कब्जे में हैं, उन्हें बंधक बनाकर रखा हुआ है, हमास ने उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी उत्तरी इसराइल के जो इलाके हैं वहां पर हमले किए जा रहे थे, तो ऐसे हालात में इसराइल कोई बीच का रास्ता निकालेगा ये बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्यस्थता का प्रयास किया गया कतर की तरफ से, मिस्र की तरफ से लगातार बातचीत की गई, यहाँ ईरान के साथ में भी और इसराइल के साथ में भी, और इसके अलावा अन्य संगठन के साथ में। आपको रोक रही हूँ, बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए नसरल्लाह की मौत के बाद अब हिजबुल्लाह की तरफ से अपना नया लीडर भी घोषित कर दिया गया है, बड़ा लीडर हिजबुल्लाह की तरफ से अपना घोषित कर दिया गया है नसरल्लाह की मौत के बाद। क्या वो चेहरा है, कौन वो नाम है, वो आपको बताने जा रहे हैं हम। हिजबुल्लाह का नया लीडर घोषित, हाशिम सफीदीन हिजबुल्लाह का नया लीडर, हसन नसरल्लाह का भाई है हाशिम सफीदीन और नया लीडर हिजबुल्लाह ने अपना ये घोषित किया है। तो देखिए ये तुरंत एक्शन हिजबुल्लाह की तरफ से, और विशाल देखिए ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि अभी कल ही नसरल्लाह की मौत की खबर आई और उसके बाद आज अपना नया लीडर घोषित कर दिया गया। विशाल मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। आसिफ, जिस तरीके से हाशिम सफीदीन जो कि नसरल्लाह का ही भाई है, नया लीडर हिजबुल्लाह ने अपना घोषित कर दिया है, बैकग्राउंड जरा बताइए, और हिजबुल्लाह क्या अब सीधे फ्रंट में आकर और ज्यादा विध्वंसक रूप से इसराइल पर अटैक करने की कोशिश करने में, क्योंकि तुरंत बाद देखिए नया लीडर घोषित कर दिया हिजबुल्लाह ने अपना। देखिए हिजबुल्लाह के बारे में बता दूं कि वो कोई आम जो मिलिटेंट संगठन या आतंकी संगठन कहे ऐसा नहीं है, दुनिया की सबसे ताकतवर नॉन स्टेट फौज है, और उनके यहाँ जो
हायरार्की है वो बिल्कुल बना हुआ है। भले ही उनके टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया हो, लेकिन हिजबुल्ला की तरफ से बहुत पहले से इस तरीके के हमले की आशंका थी, इसीलिए एक हायरार्की जो स्ट्रक्चर था उसको बनाया गया था। और अब एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हाशिम सफदेन हैं उनको फिलहाल तो जो है हिजबुल्ला का नया नेता घोषित किया गया है। वो कहाँ पर हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस बाबत ज़्यादा जानकारी इस समय तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हिजबुल्ला का उसको पहले ही एक सुरक्षित जगह पे ले जाया गया था। और कल जिस समय ये हमला हुआ था एक विशेष बैठक होनी थी ईरान से आए हुए कुछ सीनियर कमांडर्स और हसन नसरुल्ला की, जिसको निशाना बनाकर जब हमला किया गया था, हसन नसरुल्ला के साथ साथ कई वरिष्ठ जो नेता थे हिजबुल्ला के थे वो उस हमले में मारे गए थे। हिजबुल्ला केवल लेबनान में ही नहीं है, हिजबुल्ला की पहुंच ईरान, सीरिया, इराक के अलावा कई और देशों में भी है। ईरान में खास तौर पर जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं वहाँ पे बसीजों के साथ साथ हिजबुल्ला के लोग भी रहते हैं, और यानी रिक्रूटमेंट का लेवल जो है वो वहाँ पे रहता है। तो कुछ उसी तरीके से ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि सफदर इस समय सिर्फ एक बड़ा अपडेट दर्शकों को देना है। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। लोग नसरुल्ला की हत्या के खिलाफ श्रीनगर की सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन भी वहां पर किया। शिया संगठनों ने आज कारगिल में बंद बुलाया है। तो देखिए जम्मू कश्मीर की सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं नसरुल्ला की हत्या के खिलाफ, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मौत के बाद श्रीनगर की सड़कों पर लोग उतरे और यहां तक कि कारगिल बंद बुला लिया गया शिया संगठनों की तरफ से। तो ये देखिए सड़क की तस्वीरें जम्मू कश्मीर की, जहां पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं और नसरुल्ला की मौत के बाद उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। एक तरफ हिजबुल्ला ने अपना नया लीडर घोषित कर दिया और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां पर लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर की सड़कों पर लोग उतरे और वहां पर प्रदर्शन किया। शिया संगठनों ने कारगिल बंद का भी ऐलान कर दिया है। दो तस्वीरें श्रीनगर और बड़गाम की आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन आप समझिए किसके खिलाफ है, ये प्रदर्शन है नसरुल्ला के खात्मे के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको दे, जम्मू कश्मीर के कठुआ में भीषण एनकाउंटर। 1 अक्टूबर को चुनाव है और उससे पहले कठुआ में मुठभेड़ हुई। कठुआ के मांडली इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर कर रखा है और इस एनकाउंटर में हेड कांस्टेबल बशीर अहमद शहीद हो गए हैं। आतंकियों से एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं और फिलहाल इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो तीसरे फेज की वोटिंग है, 1 अक्टूबर को चुनाव है, लेकिन उससे पहले कठुआ में भीषण एनकाउंटर, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। कठुआ के मांडली इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है और जानकारी ये मिल रही है कि इस एनकाउंटर में हेड कांस्टेबल बशीर अहमद शहीद हो गए हैं और 2 पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गोलियों की, धमाकों की आवाज आपने सुनी और फिलहाल वहां पर क्या परिस्थितियां हैं ये जानने के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी अजय बाचलू के पास, जम्मू से हमारे साथ कनेक्ट है। अजय, फिलहाल परिस्थितियां वहां पर क्या बनी हुई है, क्या है ताजा अपडेट? देखिए पूजा, जैसा आपने बताया कि तीसरे चरण में, अंतिम चरण में 1 अक्टूबर को चुनाव है और इस दिन चुनाव जो है वो कठुआ के बिलावर में भी है, जहां यह एनकाउंटर चल रहा है। दरअसल सुरक्षा के मद्देनज़र कठुआ में व्यापक प्रबंध किए गए हैं चुनाव के चलते। ऐसे में कल सुरक्षा बलों को एक सूचना मिलती है कि कुछ आतंकी जो है मांडली के कोग गांव है, काफ़ी अपर रीचेज का गांव है, पहाड़ पर बसा हुआ ये गांव है, वहां कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस घर को घेर लिया और वहां पर उस जंगल में गोलीबारी शुरू हुई। इस गोलीबारी में 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए, जिसमें से बाद में हेड कांस्टेबल बशीर अहमद ने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया। इस एनकाउंटर पर अपडेट यही है कि फिलहाल इसमें 1 सब इंस्पेक्टर और 1
DYSP जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। कल रात से ही वहां उस इलाके में कोक के पूरे गांव को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और अब आज सुबह पहली रोशनी के साथ ही पूरे इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। हालांकि गोलीबारी फिलहाल बंद है, लेकिन इन जंगलों में छिपे हुए आतंकियों को खोजने के लिए सुरक्षा बलों ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है और न केवल सर्च ऑपरेशन बल्कि इस पूरे इलाके को भी घेर लिया गया है ताकि ये आतंकी जो इन जंगलों में छुपे हुए हैं ये वहां से भाग न निकले। और फिलहाल इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन जो है पूजा वो चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अजय वहां पर अभी फिलहाल जो परिस्थितियां हैं अंडर कंट्रोल हैं, सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोसी नदी, गंडक बराज, यहां से नेपाल ने पानी छोड़ा है। 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। बिहार के 13 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा। किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर में भी अलर्ट जारी है। सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, अररिया, यहां पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और इसके अलावा मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, यहां पर भी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। अब देखिए बिहार के सुपौल में कोसी नदी किस तरीके से रौद्र रूप दिखा रही है। हमारे संवाददाता शशांक की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश से बिहार में हालात बिगड़ने लगे हैं। कोसी नदी अपने रौद्र रूप में आ गई है। इस वक्त हम सुपौल में खड़े हैं। देखिए नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी बैराज पर दबाव बढ़ गया है, निरंतर पानी डिस्चार्ज हो रहा है। कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। आज 6,20,000 क्यूसेक से ऊपर पानी जो है वो डिस्चार्ज हुआ है। सुपौल के निचले इलाकों में पानी जो है वो फैलने लगा है। झोपड़ियाँ डूब गई हैं, लोगों के खेत डूब गए हैं। जो यहाँ पे लोग रहते हैं बेहद परेशान हैं, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको हम बता दें प्रशासन जो है बैराज पर पूरी तरह से निगाह बनाए हुए है। कोसी का पानी बैराज के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया है। देखिए कैमरा पर्सन विशाल आपको सुपौल के निचले इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग ठेवने भर पानी में आ जा रहे हैं। हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या समस्या है। बाबा कब से रहते हैं यहाँ पे? हम लोग 10-15 दिन हो गया है इसमें। ये हालात कब से हैं? ये सर 1 महीना हो गया। कितने दिन? 2 महीना। 2 महीना लगातार जल स्तर? हाँ 2 महीना से। अच्छा ये बताइए आपके झोपड़ियाँ बह गई? हाँ बह गई, बह गई, बह गए, कट गए हैं। सब लाए हैं उठा कर के सर। तो फिर कहाँ पे रह रहे हैं? अब ये बांध के ऊपर में ही पर है सर, यहाँ पुल पे। पुल पर कोई मदद प्रशासन से मिल रही है कि नहीं? अभी तो नहीं मिला है सर। अच्छा ये बाबा बताइए क्या आप लोग का घर बह गया कि बचा हुआ? नहीं बह गया सब घर। घर रिलीफ कैंप मिले जाएगा कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ हम लोग को नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, कुछ लाभ। इतना नुकसान हुआ आपका? हम लोग को जो भी था सब नुकसान हो गया। कुछ नहीं घर में बचा हुआ, कुछ नहीं है। जो भी था खाने पीने वाला सब बर्बाद हो गया। लोग यहाँ पर बेहद परेशान है। आपको बता दें जो तटबंध के अंदर बसी आबादी है उसको बाहर लाने और ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए प्रशासन जो है लगा हुआ है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को मदद जो है वो नहीं मिल रही है। 6,20,000 क्यूसेक से ऊपर पानी डिस्चार्ज हुआ है। लोग कह रहे हैं कि 55 साल का जो है वो रिकॉर्ड टूट गया है। आपको बता दें आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा एवं अन्य नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण 13 जिलों में जो है बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और करीब 1,41,000 जनसंख्या जो है वो प्रभावित है। इस तरह का जो रिकॉर्ड है, जो आंकड़ा है वो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बताया जा रहा है। लेकिन देखिए सुपौल के निचले इलाके में हम हैं और लगातार यहाँ पे पानी जो है वो फैलता जा रहा है। पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है। ग्राउंड जीरो से कैमरा पर्सन विशाल जो है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि उनको मदद मिल नहीं रही है और नेपाल में भी 1-2 दिन तक बारिश होती रहेगी तो जो स्थिति है इधर और भयावह हो सकती है। जरूरी यही है कि यहाँ पर प्रशासन ध्यान दे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़, सुपौल। तो ये आपने देखी सुपौल की तस्वीरें और सुपौल के लोगों की दिक्कतें, लेकिन बिहार के मोतिहारी में भी हालात बेकाबू हैं। वहां पर भी नदियां उफान पर हैं, हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं मोतिहारी की। यहां पर देख लीजिए किस तरीके से सड़कों पर पानी, नदियां उफान पर और लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिहार के 13 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल ताजा स्थिति क्या बनी हुई है ये जानने के लिए मेरे सहयोगी शशांक हमारे साथ कनेक्ट है। सुपौल से सीधे वो हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक, हर बार मॉनसून के सीजन में देखा जाता है कि बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं, लेकिन फिलहाल जो कोसी नदी, गंडक नदी की परिस्थिति, उफान, जल सैलाब आप देख रहे हैं,
पिछले कितने सालों में आपने इस तरीके का प्रलय देखा है बिहार? देखिए 56 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 56 साल के बाद कोसी बैराज से 6 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी डिस्चार्ज हुआ है। निचले इलाके जो सुपौल के हैं वो बाढ़ की चपेट में। अब हालात यहाँ पे बिगड़ने लगे हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर अपने सामान मवेशियों के साथ पलायन को मजबूर हैं। बहाव बहुत तेज है, विशाल से कहेंगे आपको दिखाएं, बहाव बहुत तेज है। और मैं यहाँ पे मुंगरार गांव में खड़ा हूँ। ये पूरा इलाका जो है जलमग्न है। देखिए लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं, जाके पास में एक बैरिया मंच पुल है, लोग वहीं पर शरण ले रहे हैं। लोगों के खेत डूब गए, किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो बर्बाद होगा। ये लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सुपौल प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में जो है लगातार बारिश हो रही है, उस कारण इधर स्थिति और बदतर हो सकती है। हम यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे और जो परेशानी हो रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। विशाल इधर दिखाइए, लोग अपने सूटकेस बैग लेके देखिए पलायन कर रहे हैं। चाचा कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं ऊपर में बढ़िया मंच में, सूखे में मंच पुल पे जा रहे हैं। हाँ, पुल पे जा रहे हैं। रिलीफ कैंप नहीं बनाया गया अभी? अभी तक नहीं बनाया गया है। क्या परेशानी हो रही है? घर है कि बह गया? घर देख रहे हैं ना, बह गया है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है उधर का क्या स्थिति है? बहुत खराब है, देख रहे हैं। पानी मदद मिल रहा है? कोई मदद नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कोई मदद नहीं मिल रहा। बाबू आप लोग घर पे तो कमर भर पानी में, ठेहुने भर पानी में आ जा रहे हो। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बोल रहे सुबह में पानी नहीं था और फिर अचानक पानी बढ़ गया। प्रशासन से दिखने को नहीं मिल रहा है कुछ ऐसा व्यवस्था। बहुत सारे आदमी फंसे हुए भी हैं। लाख सुपर पानी डिस्चार्ज हुआ है बैराज से। हाँ हाँ, स्थिति और बदतर हो सकती है। देखिए नीचे की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पे जो है ना, नाव की व्यवस्था की नहीं गई है। लोग अपने अपने नाव से सामान लेकर आ रहे हैं, मवेशियों को लेकर आ रहे हैं, और पास में एक पुल है वहाँ पर ये लोग तरल लिए हुए हैं। और नेपाल में बारिश जो है वो जारी है, अगर स्थिति यही रही तो भारी तबाही मच सकती है। बिल्कुल, शशांक तस्वीरें देखकर ही साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में परिस्थितियां क्या बनी हुई हैं और लोगों के लिए परेशानियां कितनी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। शशांक आपका शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक से दिल्ली दौरा। पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं नीतीश और दिल्ली में कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट, नीतीश कुमार का अचानक से दिल्ली दौरा। पटना से दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश और ये माना जा रहा है कि दिल्ली में कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। तो दिल्ली दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश रवाना हो चुके हैं। हालांकि किन नेताओं से उन्होंने मुलाकात करनी है और इस अचानक दौरे के पीछे की वजह क्या, यह भी जानना बाकी है। लेकिन पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं नीतीश, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। तो बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचाए, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गोरा बाजार चौकी इंचार्ज ने दर्ज करवाया है मामला। दरअसल गांजा को वैध कराने के लिए अफजाल अंसारी ने बयान दिया था और इसी को लेकर अब नोटिस दर्ज हो चुका है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। गोरा बाजार चौकी इंचार्ज ने मामला दर्ज कराया है। दरअसल गांजा को वैध कराने के लिए अफजाल अंसारी ने बयान दिया था और इसी के खिलाफ उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गाजीपुर के सांसद है अफजाल अंसारी, तो अफजाल अंसारी ने ऐसा क्या बयान दिया था जिसकी वजह से उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो बयान आप सुनिए। लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट,